फ़ोन की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट जब वो क्लियर हुई तो अंगद को काफ़ी गिल्टी फील हुआ एंड दोस्ती हो गई है अभी दिलजीत के साथ, अकीर के साथ थोड़ी अभी हुई नहीं है, वो सब करते हुए ही नजर आएंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी अंगद को कि सिमरन जो नहीं मिल रही है उसमें दिलजीत कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ऐसा उसे लगा था बिकॉज फ़ोन की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट जब वो क्लियर हुई तो अंगद को काफ़ी गिल्टी फील हुआ एंड वो सॉरी बोलने आता है यहाँ पर, और यहाँ पर देखता है कि दिलजीत कैसे रेस जीतने की कोशिश कर रहा है बिकॉज उसको वो साइकिल लेनी है जो अकीर को पसंद है। तो बहुत सारी इमोशनल सी चीज़ें देखता है, खुद भी इमोशनल होता है, अकीर के लिए भी थोड़ा बहुत फील कर रहा है वो बिकॉज अट्रैक्टेड है बच्चे से, एंड देन वो उसको अपॉलोजी भी देता है और थैंक यू भी बोलता है बिकॉज उसकी वजह से ही सिमरन भी मिली है, तो एक अच्छा दोस्ती टाइप की हो गई है दोनों के बीच में। एक ही जगह पर हैं लेकिन मिल नहीं पाए, लेकिन देखो कब तक ऐसा होता है, कभी ना कभी तो मिलना होगा, कभी खुद भी उठ के आ जाओ तब पता चलेगा कि क्या होता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है या तकरार होती है या तूफान आता है, लेट्स सी। और दोस्ती हो गई है अभी दिलजीत के साथ, अकीर के साथ थोड़ी अभी हुई नहीं है, वो सब करते हुए ही नज़र आएंगे एंड साहिबा जब नज़र आएगी तो पता नहीं क्या होगा।